इस सवाल का जवाब अमित सियाल देंगे। सीजन वन से हजार गुना ऊपर। क्या बात यार, इससे पहले तो लाख कह रहे थे, आई एम डिसअपॉइंटेड यार। नहीं वो सीरियस लग रहा है बहुत ज्यादा यार, बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक सीजन टू का जब ट्रेलर ब्रेक हुआ है तो पता नहीं कितने 20-30 मिलियन व्यू हो गए हैं उसके, और लोगों को बहुत मजा आ रहा है ट्रेलर देखकर। मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेलर देख के इतना मजा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब वो शो देखेंगे उससे कई ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा, हजार गुना मजा आएगा। 6 दिसंबर को सीजन टू आ रहा है इनसाइड एज का। बहुत कमाल शूट किया है, आई थिंक सीजन वन से कई आगे निकल गए हैं। परफॉर्मेंसेज भी कमाल के हैं। शो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, इस बार हमें बजट मिला, इसीलिए हमने बाहर से भी इम्पोर्ट किए एक्टर्स, यूके से भी लेके आए महंगे पाउंड में वैसे देखे। तो बहुत मज़ा आया यार सीजन टू में, एंड चीरफाड़ किया है इन्होंने। दाढ़ी नंबर टू, ये दाढ़ी नंबर वन है, छोटी दाढ़ी, ये बड़ी दाढ़ी। आकाश भाटिया ने बहुत कमाल का डायरेक्शन किया है, उम्दा बल्लेबाजी की है इन्होंने। वाह, बहुत मज़ा आया। पूरा क्रेडिट बिल्कुल नहीं मेरा, आई थिंक सबका क्रेडिट है इधर। हाँ नहीं, आई थिंक अगर आप बोला जाए टीम स्पोर्ट के बारे में शो है, तो आई थिंक टीम स्पोर्ट की तरह ही हम लोग ने पूरा एफर्ट डाला है। एवरी पर्सन हैज पिच्ड इन अ वैल्यूएबल वे, आई थिंक वेदर इट्स अ पर्सन हु इज हैंडलिंग स्पॉट ऑन आवर शो, टू ऑल द वे टू द DOP, टू द राइटर्स, ऑल द एक्टर्स, ऑब्वियसली यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन विद देयर magic happening, but it's also the people behind the screen, you know, sabki mehnat hai jiske karan whatever you are seeing is there. They've all helped me take our vision forward, and I think all credit to them. I think bahut zyada dhamakedar hai season 2. It's way more explosive, but it's also much more layered and nuanced, aur sabhi characters ko aap grow karte hue dekhenge. Har character ne evolve kiya hai, and I think the brilliance goes into the writing and the creators, Akash, Guru, the writers team, and Akash, who's sort of brought in a new perspective. Aur you know, it's a team that bahut maza aata hai ek sath kaam karke. और इस बार नए एंट्रेंस जो है सपना और आमिर, आई थिंक दे हैव कम इन विद अ लॉट, यू नो, अ न्यू एनर्जी। तो बहुत मज़ा आया हमें बनाने में, बट ऑल्सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव इन हैंड। एंड बहुत कम टाइम होता है, आपको मज़ा भी आता है करके, और जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा निकलता है। सो आई थिंक इट्स नॉट एवरी डे दैट यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ हैव दिस, एंड वी आर ऑल इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ इट। देयर इज अ वेरी यूनिक सेंस ऑफ different kind of sensibilities that have come and brought this, you know, there's the level of mainstream sensibilities, the level of slightly indie street cred, all of that coming together, I think has given this a new sort of a value. I think that is also, I think overall something that's incrementally better for the second season. Okay, that's it. Well, I'm just happy that I handed over the reins to Akash to direct this season, and you know, he's brought a lot of value, and the new actors, and of course the older guys who were there on the first season with me, built it up in a much bigger way. I had a great time, you know, in the writers' room, because of the license to make it bigger by Amazon and Ritesh and Farhan, and to sort of put this together and to make a more explosive story this time round was very satisfying, and it's very satisfying to see it all come together with the whole cast and crew. I've been very excited and very grateful to be joining an Emmy nominated show and cast. Yes, we did have a great time working on it. We had a lot of fun. It is Amazon India's first ever second season coming out, so we're all very excited for the second season. Okay, second season को तो बहुत ही अच्छा response है लोगों से, और ये cricket के plot के ऊपर, तो कितने real incident पे based होगा और कितना friction होगा? Realism तो काफी है, shoot भी बहुत realistic किया है, लेकिन सच्ची घटनाओं पर आधारित चीज़ों को लेकर उसके ऊपर काफ़ी चीज़ों को फिक्शनलाइज किया गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत सही पड़ा। जैसे अभी शायोनी है, रोहिणी राघवन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, फर्स्ट सीजन के बाद में उनको टीम इंडिया, BCCI वगैरह सबसे ऑफर आया है कि आप हमको ज्वाइन कीजिए और यू नो एडवाइस कीजिए, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिया। देवेंद्र को अभी भी कास्ट करने के चक्कर में अगले देवेंद्र को लेकर कंफ्यूज्ड है कि ये गोली मारेगा, बॉलिंग करेगा, क्या क्या करेगा गोली मारेगा, गोली देगा, गोली लेगा, क्या करेगा भाई? तो आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, मैं थोड़ी खो गई।
एक्चुअली रोहिणी का कैरेक्टर है वो करण है, और करण एक्चुअली में BCCI, इफ यू आर हियरिंग प्लीज मिस्टर सौरव गांगुली, हियर्स द गाय यू शुड हायर टू एक्चुअली एनालाइज एंड यू नो डिसाइड व्हाट हाउ द टीम इज गोना प्ले एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ही इज ब्रिलियंट. बहुत ज्यादा मस्ती, और सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं ये. दिखते बहुत सीरियस हूँ, कहते भी हैं कि मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत सीरियस, बट सीरियसली फनी है और सीरियसली मस्ती यही करते हैं. यार बहुत सारे याद ही नहीं रहते शेयर करने लायक. मैं प्रेजेंट में रहता हूँ यार, पास में जो है वो सब याद नहीं रखता. शेयर तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कैमरा पे नहीं. तू अकेले में मिल मेरे को. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करण अंशुमन का इसका श्रेय लेना चाहिए, क्योंकि पायनियर किया उन्होंने स्पेस को उस समय जब कोई जानते भी नहीं थे कि अमेजॉन ओरिजिनल क्या होता है. OTT प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर नहीं थे हिंदुस्तान में, तो इतना एक एम्बिशियस विजन लेकर आना और इस स्केल पे बनाना, जमाना, टिकाना, छक्का लगाना, ग्लोबल स्केल पर एक अप्रिसिएशन मिलना, मुझे लगता है कि ये पूरा इन्होंने, इनकी टीम ने, राइटर्स ने, इनके साथ जो को डायरेक्टर्स हैं गुरु और इस सीजन में आकाश, और ख़ासकर एक्सेल जिन्होंने इनमें शुरुआत से विश्वास दिखाया. ये बहुत मुश्किल काम था. अभी हो गया है तो सबको लगता है बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग, लेकिन बहुत मुश्किल काम था. मैंने अपने आंखों से देखा है जब ये पन्ने पे आ रही थी चीज़, वहाँ से लेके पर्दे पे आने तक इनके 90% बाल तो सफ़ेद उसी समय में हुए और काले थे, अब सफ़ेद हो गए. उनके तो नीले हो गए, हम लोग थोड़ा मॉडर्न है, नीली लाइट उनको पसंद भी है. हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का श्रेय करण अंशुमन को जाना चाहिए. डिफिकल्ट भी रहा है लेकिन आसान भी रहा है, क्योंकि हमें बहुत टाइम था 8 घंटे का एक कहानी रचने का, तो इसमें बहुत फ्रीडम है ये प्लेटफॉर्म पे. तो आई थिंक द राइटर्स रियली एंजॉयड दैट, एंड वी रियली एंजॉयड बोरोइंग फ्रॉम रियल लाइफ, वी रियली एंजॉयड ड्रामेटाइजिंग इवेंट्स, और फिल्म का वो 2 घंटे का कंस्ट्रेंट नहीं रहा. सो यू नो दैट्स रियली हेल्प्ड. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सेंसरशिप, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. मुझे लगता है कि सेंसरशिप एक बहुत ही पुराना ख्याल है. एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए इस तरह की सेंसरशिप होना गलत संकेत है, नेगेटिव बात है. मुझे लगता है कि सेंसरशिप के बजाय कुछ एक मॉडर्न सिस्टम होना चाहिए रेटिंग का, जहाँ पे लोग आपको एक गाइडलाइन देते हैं कि भैया इसमें देखिए गाल गलोच है, बच्चों के साथ मत देखिएगा वगैरह वगैरह. बिकॉज अगर आप 18 साल की उम्र में वोट दे सकते हैं और ये चूज़ कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को कौन चलाएगा, आपके देश को कौन चलाएगा, तो आप 18 साल में इतना तो चूज़ कर सकते हैं कि आपको पिक्चर कौन सी देखनी है, शो कौन सा देखना है. आपको कोई चाहिए नहीं टू कम एंड टेल यू कि आप ये देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं. आई थिंक सेंसरशिप इज़ अ आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. नहीं, आई थिंक वी स्पीक फॉर, ही स्पीक्स फॉर एवरीवन, कि हमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो किसी भी फॉर्म में सेंसरशिप सपोर्ट करता है. हमें बहुत ख्याल है हम अपने बच्चों की कि वो गलत चीज़ ना देखें, लेकिन अभी आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास बहुत चाइल्ड फिल्टर्स तरीके हैं, मतलब ये सब कंट्रोल करने का. और ऐसा नहीं है कि, और जिसको जो देखना है वो तो यू नो उनको तो जब लाइफ में सेंसरशिप नहीं कर रहा कोई, तो फिल्मों में क्यों करवा रहे हो भाई? बिल्कुल ना, आप लाइफ में सेंसरशिप करो. बहुत ऊंची बात कही आपने, बहुत डेप्थफुल है सर, बहुत ज्यादा, बहुत ऊंची भी है और डीप भी है, गहरी नाभि से आई है, दोनों गहराई ऊंचाई दोनों आपने माप लिया एक ही शब्द. ओके, लास्टली सब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? फाइनली 6 दिसंबर को Amazon Prime Video पे प्लीज देखिए season 2 ऑफ इनसाइड एज, और अगर season 1 नहीं देखा है तो वो जल्दी से देख लीजिए. फ्री में भी दिख रहा है वो, फ्री में भी दिख रहा है, दो दिन है. Amazon Prime season 1 जो है आप वो Inside Edge का देख सकते हैं Amazon Prime पे फ्री, बिल्कुल निशुल्क, अगर आपने अभी तक season 1 नहीं देखा है. लेकिन उसके बाद 6 दिसंबर को लगेगा छक्का. छक्के की एक्शन करो जल्दी से.
ये तो डिफेंसिव शॉट था यार, चक्का मेरे से होता ही नहीं है। 6 दिसंबर को लगेगा छक्का इनसाइड एज सीजन 2, देखिएगा जरूर Amazon Prime पे। और इस बार हमारे पास में इंपोर्टेड कास्ट भी।